भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले थे, लेकिन इससे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह और दिग्गी के भाई लक्ष्मण सिंह उनसे मिलने आम्रपाली पहुंचे, जहां दोनों ने बंद कमरे में दिग्गी से मुलाकात की और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। दिग्गी के मैदान संभालते ही उनके भाई और बेटे दोनों एक्टिव हो गए और दिग्गी को चुनाव जिताने की रणनीति भी बनाना शुरू हो गई। इसी के चलते नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह और दिग्गी के भाई लक्ष्मण सिंह उनसे मिलने आम्रपाली पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भोपाल और राजगढ़ दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी। दोनों एक्टिव हो गए और ही उनके भाई और बेटे दिग्गी के मैदान संभालते और दिग्गी को चुनाव जिताने की रणनीति भी बनाना शुरू हो गई। इसी के चलते जयवर्धन सिंह और दिग्गी के भाई लक्ष्मण सिंह उनसे मिलने आम्रपाली नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस जीतेगी। बाइट भोपाल और राजगढ़ दोनों सीट को ही उनके भाई और बेटे दोनों एक्टिव हो गए और दिग्गी के मैदान संभालते और दिग्गी को चुनाव जिताने की गई। इसी के चलते रणनीति भी बनाना शुरू हो गई। उनसे मिलने आम्रपाली धन सिंह और दिग्गी के भाई लक्ष्मण नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मीडिया वहीं जयवर्धन सिंह भी पिता की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। लक्ष्मण सिंह उनसे मिलने आम्रपाली पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह और एक विधायक हैं, अपने आर्य वकील साहब हैं, पीसी शर्मा जी हैं, आर्य मसूद साहब हैं और भी जो हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, सबकी अति महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस चुनाव में। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि उनको बड़ा मजा आएगा कि यदि दिग्विजय सिंह के सामने उनको खड़ा किया जाए, तो क्या वो मजे के लिए? देखिए, वही मैं कहना चाहता हूँ, कहना सही नहीं रहता है। चुनाव बहुत गंभीर एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।